हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जीएसटी सेमेस्टर डिप्लोमा के सेकंड के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट का यूनिट टू कवर अप कर रहे हैं। सर, कितना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, बेटा है ही, अब क्या किया जाए। तो यूनिट टू जो हम लोग कवर अप करने के लिए जा रहे हैं, इसमें मैंने आपको यूनिट टू का एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट करा दिया था। सर, यूनिट टू में एक इम्पॉर्टेंट क्यों, मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो हैं इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट कंटेंट को ध्यान रखिए, वो ओवरऑल कवरेज करता है और थ्री सब्जेक्ट को कवर अप करता है। तो उसी के ही पार्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जो चैप्टर 11 है। ये चैप्टर 11 किस चीज से रिलेटेड है, ये रिफंड ऑफ जीएसटी से रिलेटेड है। ये रिफंड ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 3 पे रखा है डॉक्टर विल्फुल विनोद जी ने, और ये इनकी बुक इस नेम से है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें पूरा का पूरा ये एक स्पेसिफिक कंटेंट ही अपने पोर्शन में रखा गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो रिफंड ऑफ जीएसटी पे आते हुए हम पहले देखते हैं कि इस रिफंड का मतलब क्या है। एक तो इंग्लिश में मतलब है कि वापस होना, इंग्लिश पे हिंदी आपने कर लिया कि वापस होना रिफंड का, सेम यही टैक्स के लिए है। तो पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर मीनिंग और फिर डेफिनेशन। एग्जांपल इसलिए क्योंकि आपको इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सपोज दैट मिस्टर एक्स वॉज टू डिपॉजिट द जीएसटी 65,000, बट माई मिस्टेक and due to his employee negligence 6,50,000 deposit in the government account. तो 65,000 जाना चाहिए था, 6,50,000 चला गया, ज़्यादा चला गया ना पैसा। Now Mr. X will have to take refund of 5,85,000 from the government. This will be called tax refund. तो क्या सर, हर बार जब हम ज़्यादा दे देते हैं तभी हमें tax refund होगा, या ऐसा गलती से दे देते हैं? पहली बात जो आप लोगों को समझ में आए कि जब हम लोग ज़्यादा दे देते हैं तब टैक्स रिफंड होता है, या फिर जो ऐसा पोर्शन जिसका कि अब यूज़ ही नहीं किया गया है तब ये रिफंड होता है। अभी उस कंडीशंस के ऊपर आएंगे। सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं, ड्यू टू मिस्टेक एंड सप्लाई वेरियंस प्रिज्यूमिंग सप्लाई टू ए सप्लाई विद इन द स्टेट CGST एंड SGST हैज़ बीन चार्ज एंड पेड टू द कंसर्न अकाउंट। मान लिया कि इंटर स्टेट का था, उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही गुड्स को सेल किया गया है, और इसके मानते हुए CGST और SGST दोनों ही टैक्स का पेमेंट कर दिया गया। बट लेटर इट वॉज रिवील्ड दैट द रिलेटेड सप्लाई वॉज इंटर स्टेट सप्लाई एंड कॉज्ड IGST टू बी पेड। इन दिस सिचुएशन द डिपॉजिट ऑफ CGST SGST इन द पास्ट विल बी रिफंडेड। क्यों? क्योंकि आपको IGST देना था। तो आप कह सकते हैं सर ये आपस में पोर्टल पे एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा सेगमेंट जो है सिलेबस के पार्ट में तो मुझे नहीं मिला बताने के लिए कि डायरेक्टली जो है वो आप ट्रांसफर कर दें। हाँ, एडजस्टमेंट होता है कि जो सरप्लस वैल्यू है उसको आप किस तरह सट ऑफ कर सकते हैं, वहां पर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अभी तो जो बात हमारी हो रही है वो रिफंड की हो रही है। तो रिफंड में बात समझ लीजिए कि एक तरफ आपका टैक्सेबल पर्सन है, TP मतलब ये टैक्सेबल पर्सन है, और दूसरी तरफ जो है वो GST डिपार्टमेंट है। तो जब रिफंड की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जो मनी है वो आपके पास आ रही है, चाहे ये मनी कैश फॉर्म में आ रही हो, चाहे वो अकाउंट टू अकाउंट आ रही हो। तो सर क्या कैश में आती है? कैश की तो बेटा यहाँ बात ही नहीं है, तो कैश आप नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें पोर्टल के ही थ्रू है, सब डिजिटली है, तो ये डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगी। सर किस रास्ते से अकाउंट में आएगी? सर तो बेटा जी जिस रास्ते से गई थी, मतलब RTGS भी दिया था तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो अब जैसा पेमेंट आपने किया है और जैसा डिपार्टमेंट को समझ में आएगा उस मेथड को यूज़ करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये तो हुई बात अभी एग्जाम्पल की। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म पे आते हैं और बुकिश लैंग्वेज में इसकी मीनिंग देखते हैं। रिफंड मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न बाय गवर्नमेंट डैट वाज आइदर पेड इन एक्सेस, ज़्यादा दे दिया था, और वाज नॉट
एलिजिबल है, टैक्स टैक्स नहीं लगना था तो टैक्स दे दिया। रिफंड ऑफ टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ एनी टैक्सेशन लॉ। बाकी ये सब अपने आप पढ़ लीजिएगा, मीनिंग सिंपल सी इतनी ही है कि जो एक्सेस पैसा है उसको वापस कर दिया जाता है। थोड़ा सा जो ध्यान आप दे सकते हैं और वो इस यहाँ पर इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नीड ऑफ रिफंड अराइजेस व्हेन अ सप्लायर हैज़ एक्यूमुलेटेड इनपुट क्रेडिट बट देयर इज़ नो करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज टू पे टैक्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि बेटा अगर ITC इकट्ठा हो चुका है, हाँ सर हमको पता है कि जो ITC होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है और जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ है हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसके ऊपर माइनस करके पेमेंट करते हैं, मतलब नेट के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं ताकि हमको गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़े, जो पीछे टैक्स पे कर रखा है उसको हम माइनस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक आप समझिए ITC। तो इसका मतलब है कि आप जो ITC बता रहे हैं उसमें ये मतलब हुआ कि हमने GST कलेक्ट किया। हाँ सर हमने GST कलेक्ट किया, ठीक यही आप कहना चाह रहे हैं। GST कलेक्ट कब किया? जब हमने सेल किया, ठीक सर ये भी सही है। तो हमने 10,000 जो हैं वो GST कलेक्ट कर रखा था। ITC हमारे पास पहले से कितनी थी? सर 8,000 मान लेते हैं, तो ये 8,000 हम कलेक्टेड से माइनस कर देते हैं। अब जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो हम गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ट्रांसफ़र क्या? पे कर देते हैं। हाँ सर यही 2,000। तो बेटा जी आप ये समझिए कि जो ITC है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम एज ए एसेट्स काम कराते हैं और इसको हम लेस करते हैं। हाँ सर यही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं कि लेस करते हैं, मगर किससे लेस करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने GST कलेक्ट किया है उससे हम इम्पोर्टेंट बात को माइनस करते हैं। और अगर GST मान लो कलेक्ट ही नहीं किया या हमारे ऊपर कोई GST की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी, तो फिर इस ITC का 8,000 को हम क्या करेंगे? ये तो वो ड्यूज़ है कि जो गवर्नमेंट को हमको देने हैं, तो गवर्नमेंट एडजस्टमेंट करा रही है और जब एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो ये एक्सेस ITC हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर अब समझे कि एक्सेस ITC है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई कलेक्टेड पार्टी ही नहीं है जिससे कि हम माइनस कर सके। इसीलिए बेटा आप देखें कि जो टेक्निकल टर्म है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुआ ITC इतना हो गया कि कोई करस्पॉन्डेंस लाइबिलिटीज नहीं है जिससे कि हम लोग इसको मैनेज कर सकें। तो ये रिफंड का पार्ट है कि एक्सेस ITC आपको वापस मिल जाती है या फिर जो आपने एक्सेस पे कर रखा है वो, ये आप लायबल नहीं थे और आपने टैक्स दे दिया। तो ये आपने मीनिंग पढ़ी, इन्हीं सब मीनिंग के बेस पर आपके लिए डेवलप हो जाता है करेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स नंबर वन जो पढ़ा है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसी के अगल बगल ही सारे पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन के और मीनिंग के। तो क्या कहता है पॉइंट नंबर वन? द प्रोविजन रिलेटेड टू रिफंड हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द चैप्टर, कहाँ कहाँ दे रखा है ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। देन 10th चैप्टर में क्या दे रखा है? तो बेटा 11 में तो इसके प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब प्रावधान, और रूल्स जो हैं मतलब नियम, ये चैप्टर 10 में दे रखे हैं। आगे चलते हैं 3 पे। प्रोविजन रिलेटेड टू रिफंड हैव बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 to 56। अब ये जो प्रोविजन थे जो चैप्टर 11 में दे रखे थे, इसके अंदर में हमें पढ़ना कहाँ पर है? हमें 54(6) में पढ़ना है, ठीक सर। देन देयर आर टू पार्टीज इन रिफंड, आपको पता ही है कि दो पार्टी होती है, एक पार्टी जिससे हमको लेना है जो गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी जिसने क्लेम किया है कि हमको पैसा चाहिए। देन 5th, अंडर GST द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, तो ये एक प्रोसेस है उसी को ही हमको फॉलो करना होता है। देन 6th, द प्रोसेस ऑफ रिफंड इज ऑनलाइन, जो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये कैसे होगा? ये ऑनलाइन होगा। टाइम लिमिट हैव ऑल्सो बीन सेट फॉर द सेम, सर टाइम लिमिट का मतलब तो मानिए कि अगर 3 महीने के अंदर आप अगर क्लेम कर देते हैं रिफंड का तो ठीक है, 3 महीने का अगर पीरियड और 3 मंथ्स अगर बीत जाते हैं तो
तो ये टाइम लिमिट का पार्ट हो जाएगा, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्लेम ही नहीं एक्सेप्ट होगा, पैसे मिलने की दूसरी बात। पॉइंट नंबर 7, मल्टी मंथ रिफंड कैन बी अप्लाइड एट वंस। इसका मतलब है कि पहले जितने भी रिफंड है अलग अलग महीने के कुछ बचे हो तो उन सबको हम एक साथ ऐड करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल ग्रांट ऑफ रिफंड अंडर द सेक्शन अंडर विच 90% इज रिफंड इमिडिएटली। तो 90% रिफंडेड इमिडिएटली, ये एक पोर्शन है कि जो ग्रांट है कौन से प्रोविजनल ग्रांट ऑफ रिफंड, ये एक पार्ट होगा जो थ्योरी में आपको ध्यान से रखना होगा। ये स्पेसिफिक प्रोविजनल दे रखा है और ये 90% जो है वो पैसा वापस आ जाता है, 90% लिमिट बस आपको ध्यान रखनी है। देन टेंथ, नाइन्थ के नाइन्थ पे आते हैं, क्लेम इज टू बी प्रोसेस इन 60 डेज। अभी अभी मैंने जो है 3 महीने का वर्ड इस्तेमाल करके आपको एग्जांपल बताया था कि अगर 3 महीने के लिए आप क्लेम कर देते हैं तो लिमिट के अंदर हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्शन है कि 3 महीने आपको एकदम से ना याद रह जाएं तो ये जगह थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, हम वहाँ पर 60 डेज देखेंगे, 3 महीने नहीं 60 डेज की बात करेंगे। देन टेंथ रिफंड अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू एप्लीकेंट बैंक अकाउंट। अभी बात हो रही थी ना कि पैसा कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कैश के फॉर्म में तो नहीं आएगा, आपके अकाउंट पे आएगा। ट्रांजैक्शन जो है डिसाइड होगा गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट कैसे करते हैं, उस मोड से अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, न्यू रिफंड स्कीम इंट्रोड्यूस अंडर द GST सिस्टम। कौन कौन सी ये न्यू स्कीम है? पॉइंट ए, रिफंड ऑफ रॉन्गली पेड टैक्स, जब मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम का मतलब है कि गलत आपने टैक्स पे कर दिया। देन रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिफंड फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट। ये अलग अलग 3 पॉलिसीज हैं जिनके अंडर में ध्यान देना है, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस रहती है जो रॉन्गली पेड टैक्स है इसके लिए। 12 है, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिफंड, क्या क्या? नंबर 1, टैक्स विच वॉज पेड इन एक्सेस, ज़्यादा दे दिया, पहला ही एग्जाम्पल था 65 देना चाहिए था, गलती से ज़्यादा दे गए 6,50,000, 6,50,000। देन जो एक्सेस है पैसा उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। देन एनी अदर अमाउंट विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पेनाल्टी फी एंड फाइन। तो ये वाला पैसा जो है आपको अगर दे रखा है, क्या मतलब सर? आपके ऊपर अगर कोई पेनाल्टी जब लगा दी गई जब बल्कि नहीं होनी चाहिए थी, कोई फी आपसे ले ली गई जब बल्कि नहीं होनी चाहिए थी, किसी तरीके का कोई फाइन लगा दिया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो अगर ये सब आपने गवर्नमेंट को दे रखे हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये सारे के सारे अमाउंट इनके जो होंगे पेनाल्टी के हों, फी के हों, फाइन के हों, सब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा ठीक है सर, क्लेमिंग 60 डेज समझ में हम लोगों को आ गया, और क्या कोई कंडीशन इसके ऊपर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वो क्लेमिंग की क्या क्या कंडीशन रिफंड की, अब उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है कंडीशन फॉर क्लेमिंग रिफंड, नंबर 1 की बात होती है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो इंडियन की तरफ से आउटसाइडर्स को दिया जाएगा। सपोज करिए कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हम इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का एक्ट है, तो इंडिया की बात होती है। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? USA में कर रहे हैं, हमेशा की तरह का एक एग्जाम्पल कि हम USA के लिए कर रहे हैं। अब जिस जगह इंडिया में गुड्स दिए जा रहे हैं बेटा, तो ये गुड्स क्या होंगे? सर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए होंगे। तो बेटा जब फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर हुए, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई तो फैक्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी? उल्टा चल रहे हैं, तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुई होगी। हाँ सर, अगर रॉ मटेरियल लिया होगा तो फिर जिससे परचेज किया होगा तो यहाँ पर उस रॉ मटेरियल का सप्लायर होगा, मान लो जेड। हाँ सर, जेड होगा, जिसको हम मान लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल का सप्लायर हो गया। तो गुड्स यहाँ से रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र हुए फैक्ट्री में, तो जैसे ही बेटा फैक्ट्री में ट्रांसफ़र हो गए, तो फैक्ट्री में यूज़ करते समय इन रॉ मटेरियल से पहले जब परचेज किया गया,
तो क्या यहाँ पे जीएसटी नहीं दिया गया होगा? हाँ सर, इनवॉइस के साथ जीएसटी दिया होगा, और यही जीएसटी आ करके यहाँ क्या बन गया होगा, आईटीसी बन गया होगा। हाँ सर, तो अब ये वाला जो पोर्शन है उसको हम किस तरीके से यूज़ करें? सर ऐसा क्यों, हम इसमें क्यों यूज़ करें? तो बेटा समझिए, जब आप इंडिया से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस समय आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जो गुड्स होते हैं उनका रेट 0% रेट होता है। हाँ सर, ये तो 0% रेट की बात हो गई। तो जब बेटा 0% रेट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सट ऑफ और एडजस्टमेंट तो कर नहीं पाते, तो ये पैसा आपका आईटीसी का एक्सेस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो उस आईटीसी के मनी को आपको वापस लेना होता है। तो पॉइंट है वन का वन, अब यहाँ पे द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वीनियंस कैरिंग द एक्सपोर्ट गुड्स ड्यूटी फाइल एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एन एक्सपोर्ट रिपोर्ट कवरिंग द नंबर एंड द डेट ऑफ शिपिंग बिल्स, क्योंकि रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। देन द एक्सपोर्टर हैज़ फाइल्ड अ वैलिड GSTR 3, तो GSTR 3 से एक्सपोर्टर फाइल करेगा। ये पॉइंट आपको अपने आंसर के लिए याद करना पड़ता है। ये स्पेसिफिक केस कौन सी है, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है फंड के लिए। तो फिर से समझ लीजिए, एक्सपोर्ट के लिए जब हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है उनकी बात हो रही है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। आगे आते हैं। अच्छा, अगर सर एक्सपोर्ट की बात नहीं हो, मान लीजिए कि हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, तो फिर हमें और कौन कौन सी बातें याद रखनी होंगी? उसके लिए देखिए अदर केसेस हैं, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। कंडीशंस, नंबर वन, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट। एक लिमिट आ गई, एप्लीकेशन जो है वो 2 साल के अंदर सबमिट हो जानी चाहिए। सर अभी तो 60 डेज की बात हो रही थी। बड़ा 60 डेज तो पीरियड है ना, जो हम लोगों ने 60 डेज की बात करी, यहाँ पर तो रिफंड का आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। देन पॉइंट नंबर, फिर से देखिए समझ लिए, कंफ्यूजन जरा सा ना रहे। देखिए जो 60 डेज की बात थी हम उसकी बात करते हैं, वापस लाते हैं आपको। क्लेम टू बी प्रोसेस्ड इन 60 डेज, तो ये जो क्लेम है ये किससे रिगार्डिंग है? की फैक्टर ऑफ रिफंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये रिफंड ले रहे हैं उसके लिए जो की फैक्टर था वो ये बात करी गई कि क्लेम जो है वो हमारा 60 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जो प्रोसेस में है वो पहुंचा देना चाहिए। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो देखिए, ये जो रिफंड की बात कर रहे हैं हम किसके लिए, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के केस की बात हो रही है। तो जब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सपोर्ट के अलावा कंडीशन की बात हो, तब यहाँ पर एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, तो ये जो रिलेवेंट डेट है जिस दिन से डीलिंग हुई है उसकी बात करता है। देन GSTR 3 फॉर द रिलेवेंट डेट, यहाँ भी GSTR 3 जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई आर नॉट निल इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, क्या क्या ध्यान देने हैं? दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, नो ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रल टैक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक इनके ऊपर नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नेट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑल मंथली रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सारी चीज जानी चाहिए। सिक्स कहता है इन केस ऑफ CGST, SGST एंड UGST पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई बट हेल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ IGST हैज बीन पेड। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड, मतलब IGST टैक्स हैड बीन पेड इंस्टेड ऑफ CGST एंड SGST, नो रिफंड वुड बी अवेलेबल। सर ये सिक्स तो कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आप ये कहेंगे तो बेटा इसको समझाते हैं स्लोली स्लोली, देखिए चलिए। इन केस ऑफ CGST एंड SGST, इनको एक ले लो, ठीक, क्योंकि अगर CGST है तो या तो SGST लगेगा, UTGST लगेगा, यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा। पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये भी सही है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात हो रही है। हम ये कब पे करते हैं? जब हम एक ही स्टेट में होते हैं, और हमारा स्टेट कौन सा, यूपी है। बट हेल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई, होना ये चाहिए था यहाँ पर CGST के लिए,
इन केस ऑफ सी जी एस टी एंड जी एस टी पेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई बट हेल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। और यहाँ पर ये इसके अंदर की बात थी, और इसको डील कैसे कर लिया गया, आई जी एस टी के लिए कर लिया, मतलब इंटीग्रेटेड के लिए डील कर लिया गया। तो ये आई जी एस टी की बात थी, और हुआ क्या, इंटरस्टेट। तो कहने का मतलब है कि ये ओरिजिनल वर्क था, ये आपको पे करना चाहिए था, मगर हो वो कैसे गया, वो ऐसे गया। तो क्या कहते हैं, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जी एस टी हैज बीन पेड इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड जी एस टी टैक्स हैड बीन पेड इंस्टेड ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी नो रिफंड वुड बी अवेलेबल। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। एक तो गलती करी, मतलब आपने ये काम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। देखो लिखा है द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आई जी एस टी हैज़ बीन पेड, आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा और पहले आपको रिफंड इस पर नहीं मिलेगा। सर पहले मतलब बाद में आप रिफंड के लिए क्लेम करेंगे, जहाँ पर पेमेंट नहीं होना चाहिए था और आपने पेमेंट कर दिया है, पहले आपको अपने अकाउंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। यह सिंपल सी बात होती है किस चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक आपने समझा कि जब हमें क्या करना है, क्लेम करना है रिफंड के लिए। तो ये रिफंड से रिगार्डिंग केस हैं इन अदर केसेस, और हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड आई जी एस टी सर्विसेज। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सारी सारी बातें किससे रिलेटेड हैं, ये गुड्स की रिलेटेड हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंटीग्रेटेड हो रही हैं। ये उनकी बात नहीं हो रही कि जो इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं सिंपल। तो अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे आई जी एस टी के लिए। अच्छा, अब ये आई जी एस टी जो है कौन कौन क्लेम कर सकता है, तो इसके लिए दो तरीके से समझाया गया है। एक तो आप समझ ही लें कि जो पार्टी होगी वो तो क्लेम करेगी। पार्टी कौन, जो कि पर्सन होगा। सर खाली पर्सन नहीं बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन थी तो टैक्स देता है। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। बताया था ना कि आपके पास कुछ कलेक्टेड टैक्स ही नहीं आया और ITC को भी आप सेट ऑफ नहीं कर सके, तो वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, फॉलोइंग पीपल एंटाइटल्ड टू रिफंड्स कैन ऑल्सो फिल रिफंड एप्लीकेशन। अब क्या क्या उन्हें काम करने हैं, किस किस चीज़ों के लिए। ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको UNO भी बोलते हैं, तो ये वही है UNO। यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन बी अ मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द UN एक्ट, एंड सी कंसल्ट फॉर फॉरेन कंट्रीज देन एनी अदर पर्सन और क्लास और पर्सन एज नोटिफाइड अंडर 55। तो हु क्लेम रिफंड के लिए, बस इतना पॉइंट आप लिख देंगे, आपको आंसर इसके सही माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच केसेस रिफंड ऑफ GST। अब यहाँ पर वो केसेस हैं जिनके ऊपर आपको GST का रिफंड मिलना है, देख लिए कितने हैं, और फिर प्रोसेस और रिफंड कैसे होता है। अब आते हैं हम लोग इन केस कौन कौन से रिफंड के GST के। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, उन्हीं को ही यहाँ पे रिपीट किया गया है। कैसे सर, नंबर वन देखो, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सेस टैक्स, हमने एक्सेस टैक्स दे दिया गलती से। इन केस ऑफ अपील, अपील मतलब जो पहले टैक्स लगा था उसके अगेंस्ट में आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो अपील किया, रिवीजन करा करके टैक्स को रिवाइज कराया, तो उसमें जो एक्सेस निकल के आया डिपॉजिट के, उसका रिफंड आप ले सकते हैं। थर्ड, ऑन द फाइनल असेसमेंट ऑफ प्रोविंशियल असेसमेंट, तो जब हम प्रोविंशियल असेसमेंट करते हैं तो उस प्रोविजनल असेसमेंट में फाइनल असेसमेंट के बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि पैसे 80,000 रुपये थे और बाद में पता चला 70,000 रुपये निकल करके आए, तो जो एक्सेस मनी है उसको रिफंड कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर फोर, डिपॉजिट ऑफ टैक्स ऑन परचेज मेड UNO, एम्बेसी, CSD,
अभी आपने पढ़ाई था यूएनओ के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए। इसके बाद है रिफंड ऑफ टैक्स गिवन ऑन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टैक्स फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि टैक्स फ्री प्रोडक्ट है तो ये तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेंगे, टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो एक्साइज आईटीसी होगा, एक्साइज आईटीसी कोई वापस लेने की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अमाउंट ऑफ अनयूज्ड आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बैलेंस पैसा जो आपके पास बच गया ये उसकी बात कर रहा है आईटीसी का क्रेडिट लेजर में। देन 7th, आईटीसी रिफंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने ऑलरेडी बताया अभी एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट जो पढ़ा रहा था। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड एक्सपोर्ट, डिमांड डिपॉजिट इन डिमांड एक्सपोर्ट। देन पॉइंट नंबर 9, ये आपका रिलेटेड है किसके लिए, इंटर स्टेट रिगार्डिंग में जो सप्लाई है उससे रिलेटेड। 10th जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए गए हैं वहाँ से कैसे क्लेम लिया जाएगा, या उनको सेल किया है तो कैसे क्लेम लेंगे, क्योंकि ये तो टैक्स फ्री जोन है, वहाँ टैक्स वैसे ही नहीं लगता, मगर गुड्स जो इनके पास ट्रांसफर होकर के गए हैं उसके ऊपर तो टैक्स दिया गया होगा। देन 11, ड्यू टू डिसीजन ऑफ द अपीलिएट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, अपील के अलावा भी कोई केस अगर गया और उस पर अपीलिएट अथॉरिटी है या ट्रिब्यूनल है या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो भी मान करके रिफंड करना होगा। देन रिफंड ऑफ टैक्स सेवा भोज योजना, ऑब्जेक्टिव होता है ध्यान रखना होता है, इतना याद नहीं रखना आपको। देन ड्यू टू फॉरेन टूरिस्ट एंड लास्ट वन, इवन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट बट द सप्लाई सच गुड्स एंड सर्विसेज नॉट डन, तो एडवांस टैक्स पेमेंट जब चैप्टर मैंने बताया था और उसकी वीडियो लिंक में समझा भी रखा था कि यहाँ पर आपको रिफंड वाउचर लगाने होते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपने कोई पैसा एडवांस ले लिया और अगले महीने गुड्स डिलीवरी करने की बात हुई थी तो टैक्स जो है वो आज की डेट से तो काउंट होकर के पूरा चला जाता है, काउंटिंग में आ जाता है, मगर जब आगे चल करके गुड्स आपने डिलीवरी नहीं किए तो जब डील ही फाइनल नहीं हुई तो फिर टैक्स किस बात का, मतलब जब सेल ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का, तो वो जगह एडवांस वाला टैक्स की बात होती है, उसके भी रिफंड के लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया रिफंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे, अब बाकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिफंड। आज हम लोगों ने प्रोसेस नहीं, आज हम लोगों ने प्रोसेस के अलावा जो कंटेंट है उनको समझा, समझने का मतलब कि कब रिफंड हो सकता है, कब क्लेम और कौन क्लेम कर सकता है, किस किस केस में जो है कंडीशंस आपको कंप्लीट करनी होती हैं। तो अभी हम लोगों ने जो कंडीशन है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी, आईजीएसटी की कंडीशन, आईजीएसटी गुड जो है वो एक्सपोर्ट के केस में यूज होता है, हमने वो वाली कंडीशन कवर अप करी है। इसके अलावा अभी और हैं जिनको हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।